नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके निचले हिस्से में क्यों पेन होता है। बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन की शिकायत देखी गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खास करके जब आप उठते बैठते हैं, चलते हैं, करवट लेते हैं या फिर आप अपने वॉशरूम को यूज़ करते हैं, तो निचले अंगों पे बहुत ज़्यादा आपको पेन फील होता है। अब ऐसी कंडीशन में बहुत सारी प्रेग्नेंट महिला घबरा जाती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा महिला के पूरे लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। इस दौरान महिलाओं को खास करके अपना केयर हद से ज़्यादा करना चाहिए, और इस दौरान महिलाएँ काफ़ी पैनिक भी हो जाती हैं अगर छोटी सी छोटी बात भी आपके साथ होती है। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब आपके साथ ऐसी परेशानी हो रही है तो इसके लिए आप क्या घरेलू ट्रीटमेंट कर सकती हैं, किस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है और तुरंत आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और इसके अलावा ये नेचुरल है या फिर अननेचुरल है, या फिर गर्भ में पल रहे बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहे। सो दोस्तों, आइए आज का ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब आपके निचले हिस्से में दर्द की शिकायत हो रही है तो ये हर एक महिला को अलग अलग ट्राइमेस्टर में हो सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी आखिरी के 3 महीनों में बेहद परेशान करता है किसी किसी महिलाओं को। सभी महिलाओं को ये परेशानी होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स, अगर साइंटिफिकली हम समझेंगे तो इसके पीछे जो कारण होते हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण रीजंस हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है यूटीआई इन्फेक्शन होना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बेहद आम इन्फेक्शन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं को स्वाभाविक रूप से हो जाती है किसी न किसी फेज़ में, और इस दौरान महिलाओं को निचले अंगों में परेशानी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड होता है फ्रेंड्स कि यदि आपके निचले अंग जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, लीगामेंट्स होते हैं। जब आप आखिरी के 3 महीनों में होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर करती है अपने आप को, तो इस दौरान जो लीगामेंट्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत पेन की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं लाइफ स्टाइल की वजह से, जैसे कि अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके पार्टनर के साथ कॉन्टेक्ट में आते हो तो उस दौरान भी कभी कभार आपको थोड़े टाइम के लिए इस तरीके की परेशानी हो सकती है, या फिर आप अगर वॉशरूम यूज़ करते हैं, बहुत तेज़ी से बैठते हैं, उठते हैं, तो उस दौरान भी थोड़ी सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान आपके निचले अंग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और यहाँ पर आपको जो है पेन की परेशानी स्टार्ट हो सकती है। इसी के अलावा बेबी का जो हेड होता है वो लास्ट के 8-9 मंथ में डाउन होना स्टार्ट होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब जब बेबी हेड डाउन करने लगता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बेबी के हेड डाउन करने के लिए जो नेचुरल प्रोसीजर है शरीर के अंदर वो चालू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके निचले अंगों के लीगामेंट्स बहुत ज़्यादा खींचने लगते हैं, इस दौरान आपको पेन होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, इससे कोई बेबी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर महिलाएं अपने बेबी को हेल्दी रखने के लिए सोचती हैं, तो देखिए, जब आपको ऐसी परेशानी होती है तो बेबी अंडर वाटर होता है, आपके जो आपका यूट्रस है उसके अंदर पानी की थैली में बेबी है, और बेबी को नेचुरल तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। जो किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो रही है वो ज़रूरी नहीं है कि अंदर गर्भ में शिशु तक भी पहुंच जाए, तो बेबी आपका बिल्कुल सेफ और बिल्कुल ही सुरक्षित है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कि आपको किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से बचने के लिए, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, आपके शरीर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इस दौरान आपके बॉडी को कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होने देना, आपको पानी अच्छे से पीना है। इसी के अलावा बहुत तेज़ी से
चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर उठना बैठना और करवट लेना, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही आराम से करना है। इसी के साथ जब आप बेड पे सो रही हैं तो कोशिश करें कि करवट लेकर के सोएं, उठते टाइम भी अपने हाथों का सहारा लें या करवट लेकर के उठें। कई बार ये लास्ट के महीनों में बहुत ज़्यादा पेचीदा और परेशान करने वाला हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको यही हिदायत दूंगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप रेस्ट करें। आप थोड़े बहुत टाइम में चल फिर सकती हैं, लेकिन आप रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो बहुत ज़्यादा महिलाएं बहुत पैनिक हो जाती हैं, सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी परेशानी है कि बढ़ते हुए बच्चे के वजन की वजह से होती है फ्रेंड्स, और ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तब ये परेशानी भी आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी, इसके लिए किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन सारी परेशानियों के बीच में ही गर्भ में शिशु की हलचल समझ में नहीं आती है, या फिर नीचे यूरिन पास करने में आपको जलन महसूस होता है, या फिर निचले अंग में आपको खुजली की समस्या या दाने निकल आए हैं, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये किसी इन्फेक्शन के संकेत होते हैं जो बाद में अंदर भी पहुंच सकते हैं, बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ हाइजीन मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत बार होती है, तो आपको ठीक समय पे अपने पैंटी को चेंज करना है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको भारी भरकम चीज़ों को उठाना या खींचना या खिसकाना नहीं है, बिल्कुल इजली आपको काम करना है। आप जितना हो सके उतना ही काम करें और रेस्ट दें अपने बॉडी को, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल फ्रिक्वेंटली आप किसी भी काम को ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। बहुत समय तक नीचे घुटनों के बल बैठ करके काम नहीं करना चाहिए अगर आपको इस तरीके की शिकायत हो रही है दर्द की। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान निचले हिस्सों में दर्द की शिकायत होती है। अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान बहुत ज़्यादा हो सकती हैं तो ही आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है जो अपने आप शरीर आफ्टर डिलीवरी ठीक कर देता है। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप फ्रिक्वेंटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही डेली आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर गाइस, नमस्कार।